ये है कि बहुत ज़्यादा किताबें छपती हैं, उनमें से उनके पास सिलेक्शन आसान होता है और वो उस पर अवार्ड दे देते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि किताबों की गिनती ही बहुत कम है और वो लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो अवार्ड किसको दे वो, एक तो ये बात है। दूसरी ये कि यहाँ पर किताब की और ख़ासकर बच्चों की किताब की अहमियत नहीं। Everybody, I am very proud and happy to introduce the guest for today's podcast. Amra Alam is a Karachi-based children's writer, and she has authored over 80 storybooks in Urdu for children of all ages. She has also written and translated many stories for publication in India. She was the founder and chief editor of Santara magazine, which was a magazine in Urdu that was published for young children from 2006 to 2012. Later, she also edited the Urantashtri or Flying Saucer, which was another magazine which was published from the platform of the Children's Literature Festival. She is the recipient of the Anita Ghulam Ali Award, and we are very happy to have her on board with us today. Thank you for coming, Amra. कैसी हैं आप और ये लॉकडाउन आपके लिए कैसा जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम अलिया, एंड अली इज आल्सो देयर आई थिंक। अली अली भी हैज यहाँ पर जस्ट है। लेफ्ट फॉर अ मीटिंग। हाँ, ओके। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लॉकडाउन जैसा कि जाना चाहिए वैसा ही जा रहा है। हम सब के सब बहुत केयरफुल हैं, और क्योंकि ये थोड़ी सी इस वक्त की जो केयर है ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत कारामत होगी, तो हम सब ने यही फैसला किया है कि हम जो मैक्सिमम हो सकता है हम अपना काम इसी तरह कर रहे हैं। अपने घर में हैं हम लोग, अनलेस के बहुत ज़रूरत है तब कोई एक चला जाता है, और वो भी बल्कि मैं तो थोड़ी सी इन मामलों में चालाक भी हूँ। मैंने एक शॉप का जो ओनर है मैंने उससे दोस्ती कर ली है, तो मैं फ़ोन कर देती हूँ कि भाईजान जरा बाहर किसी को भेज दीजिए, फलां फलां चीज़ भेज दीजिए। मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ, मेरी चीज़ें आ जाती है। तो अरे जबरदस्त। ऐसा भी हो रहा है, और हम लोगों को सबको चाहिए कि थोड़ी सी केयर कर लें इस बार। हम जरा जल्दी में है कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जी अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ और हम लोग इतने ही अनएजुकेटेड रहे जितने कि आजकल हैं, इसका कि मुझे बहुत खौफ है, तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए नंबर्स भी इंक्रीज ही हो रहे हैं, इस बात का भी को भी जहन में रखना है कि जब अगर बिल्कुल नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब कि लोगों का आपस में पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो रहा है, तो इस चीज को भी जहन में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोगों की जो एक बेसिक जो एजुकेशन है हमारे सबकी, नहीं कुछ लोगों की, वो ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। जी ऐसा नहीं है। जी हमें जब तक कि हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम को, पढ़े लिखे मुल्कों में तो सब जगह एहतियात हो रही है, फिर भी उनके यहाँ हो रहा है, वो क्या रीज़न है हमें नहीं मालूम। लेकिन जी बहरहाल हम लोग अभी खुशकिस्मत लोग हैं कि नस्बतन का ज़रा से बेहतर हालात है। देखो, दुआ करो कि अच्छे हो जाएं जल्दी से हम सब लोग, सिर्फ जूम पे नहीं बल्कि वैसे भी आमने सामने मिले और बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अजीब सा लगने लगा है, सबसे सिर्फ जूम पे बात होती है और मुलाकात नहीं होती। कितना एक डिफरेंट पार्ट। भैया, हमने तो ये वक्त सोचा भी नहीं था। जी बिल्कुल, हमने तो सोचा भी नहीं था। हमारी एज के जो लोग हैं, मैं अभी 100 साल की नहीं हूँ लेकिन बहरहाल मैं बड़ी हूँ, तो लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा। आ गया, हम तो कहाँ से कहाँ आए हैं। हमने तो वो वक्त भी देखा था कि जब एक कंप्यूटर भी नहीं था, जी और अभी भी और अगर नहीं होता, अगर ये सिस्टम्स नहीं होते, तो फिर तो एक एग्जैक्टली दूसरे से शायद हम एग्जैक्टली इस तरह बात भी नहीं कर रहे होते। सही बात है, सही बात है। वो तो अल्लाह का करम है, इतनी फैसिलिटीज हैं, अल्लाह ने इन फैसिलिटीज को भी कायम रखे, लेकिन साथ साथ इंसान भी मेलजोल कर सके, वो वक्त भी आ जाए। मेरी दुआ यही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हम लोग हम बहुत शुरू करें। सीरियस बातें हो गई हैं, अब जरा हम लोग खेल कूद की बात, खेल कूद की बिल्कुल। बातें करें। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरा ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन उर्दू लिटरेचर में इतना अहम है, इतना सिग्निफिकेंट है, और एक सवाल जो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि कोई भी अकम्प्लिशमेंट के पीछे जो मोटिवेशन होती है, उसके हमेशा कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो
इस कहानी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्यों, why did you get into children's literature in particular and what was the motivation behind it? अलिया, पहले मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लिखती थी, मैंने बहुत कुछ टेलीविजन के लिए भी लिखा था। तकरीबन हमारे 17 या 18 सीरियल्स भी आ चुके हैं। अच्छा। उसके अलावा मैं और भी बहुत से उर्दू में काम करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये अंदर से फीलिंग हुई कि यार बच्चों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया। इन जिन बच्चों ने बड़े होना है, जिन्होंने असल में इस मुल्क की ताकत बनना है, उनके लिए हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में ना तो बच्चों के लिए सही कपड़े बनते हैं, ना सही खिलौने बनते हैं, ना सही निगहदाश्त होती है, ना सही पार्क है, ना कहना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बच्चों को नज़र में रख के बनाते हैं, और ना ही किताबें हैं। छोटे छोटे मुल्क, यूरोपियन कंट्रीज देखो, छोटी सी आबादी, इतनी आबादी है जितनी कि हमारे नाजमाबाद की आबादी है जी, न्यूजीलैंड। 5,000 से ज्यादा किताबें एक साल में सिर्फ बच्चों के लिए छपती है जी। हम क्या कर रहे हैं, 30-40 किताबें भी नहीं है, उनमें भी शायद 2-3 ढंग की होती है जी। असल में हम लोगों ने यार नसीहत का लबादा ओढ़ लिया है। हम समझते हैं नसीहत के बगैर कहानी नहीं होगी जी, और नसीहत से बच्चे उकता गए हैं। असल बात यह कि नसीहत की हमें जरूरत है, बच्चों को नहीं है। हम अपने हालात ठीक करें, हम उनके लिए मिसाल बने, हम अच्छे इंसान बने, हम गिव एंड टेक की जो है एक थेरी है उसको अपनाएं, हम शेयरिंग इज केयरिंग को अपनाएं, हम मोहब्बत करें आपस में, हम लड़ाइयाँ ना करें, खानदानों में लड़ाइयाँ ना हो, पैसे के लिए हुज्जत ना हो, और थोड़ा सा देना सीखें। ये हमने अपने अंदर पैदा करना है। जब हम ये खुद पैदा करेंगे, बच्चे खुद ब खुद में सीख जाएंगे। हमने बचपन में, हम कोई बहुत परहेजगार माहौल के नहीं है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, लेकिन हमने अपनी अम्मी को बचपन से नमाज पढ़ते देखा था। और आलिया, मैं एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करती हूँ, वजह यह है कि मैंने देखा था। बच्चे असल में ज्यादा सीखते हैं जब वो किसी को देखते हैं, बनिस्बत इसके कि हम उनको बोल बोल के कोई चीज करवाएं या नसीहत दे के करवाएं। नसीहत की बहुतात तो हर चीज को उकता देती है, वो लेस इज मोर वाली जो बात है ना, वो हर चीज में है, चाहे वो नसीहत है। नसीहत टू मच हो जाएगी, वहां जाके मसला खड़ा हो जाएगा, बच्चे कहते हैं परे करो, ये तो बोलते ही रहते हैं। हर चीज में, किताब में भी यही है, कहानी में भी यही है। जहाँ लंबी कहानी हो गई, बच्चे उठ के चले जाते हैं। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है और लंबी है, फिर तो वो सुनते ही नहीं है। उसके अलावा यह है कि जो चीज हमें समझ में आए, हमें बच्चों को वो समझाना चाहिए, जो बच्चों को समझ में आ जाए। बिल्कुल। हम उनकी, माशाल्लाह, मैं हमेशा ये कहती हूँ, बच्चे हमसे ज्यादा अकलमंद हैं, क्योंकि वो आजकल की पैदाइश है और वो हमसे ज्यादा, उनकी ऑब्जर्वेशन भी है, तो वो हमारी गलतियां फौरन पकड़ लेते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे इस चीज पे कि हम बच्चों के लिए सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, तो हमें शायद पता नहीं होगा कि मैं कभी कभी, मेरी 10-12 लाइन की कोई कहानी होती थी और मुझे महीना लग जाता था। मैं एक इदारे के साथ थी एक जमाने में, तो जब मैं उस पर काम कर रही थी तो अक्सर ऐसा होता था कि 10-12 लाइन की किताब होती थी, छोटी सी स्टोरी, लेकिन मुझे 15-20 दिन भी लग जाते थे, महीना भी लग जाता था उसको सही करने में। हर दफा पढ़ो लगता था नहीं, यहाँ पे ये गलती हो गई है, नहीं ये बच्चों के लिए सही नहीं है। एक एक लफ्ज को देखना पड़ता है जी। हमें बच्चों के लिए लिखने के लिए बच्चों की उम्र का होना पड़ता है। बिल्कुल। और यही मैं, इसी बेसिकली यही मेरा अगला सवाल आपसे इसी के बारे में था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बच्चों के लिए कहानी लिखना आसान है, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ये बोलते हैं और राइटर्स ये बोलते हैं कि छोटे बच्चों की कहानियां लिखना बड़े बच्चों के से कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके जो जबान जो इस्तेमाल करनी होती है, थोड़ा सा रिदम होना चाहिए, थोड़ा फ्लो होना चाहिए जो उनको आसानी से समझ आए, उनकी इंटरेस्ट के टॉपिक्स होने चाहिए, और ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वैसे कंपैरेटिवली 200% यू आर राइट, 200% नॉट 100%, इसलिए कि बच्चों को वही चीज सिखाओ जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। देखो ना, हमारे यहाँ औलिया की कहानियां जो हैं वो बच्चों को रटा दी जाती हैं, पढ़ते नहीं है, वो सीखते नहीं है, रटाते हैं उनको कहानियां। और रटने से क्या होता है कि दिमाग का जो, हमारे जो शैल है उसमें कहीं पर ताले लग जाते हैं,
दरवाजे बंद हो जाते हैं, बस सोचने की सलाहियत और बाहर देखने की सलाहियत बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उन औलिया को देखा नहीं है, सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हैं। अब वो बातें उस जमाने की है, ठीक है, एक स्टेज आएगी कि वो बच्चे उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले उन्हें कहानियां तो सिखाओ, पहले उन्हें पढ़ाओ तो सही। हम उस पर जोर नहीं दे रहे, हमारे मुल्क में कहानी लिखने वाले है ही नहीं कोई, गिनती के चंद एक है। मेरे जो गुरु थे, एक अदद एक मेरे गुरु थे, मैंने हमेशा अपना गुरु कहती हूँ, सूफी तबस्सुम साहब, वो वही शख्स थे जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा था उस जमाने में, कब, अब से 30-35 साल पहले। टोट बटोट को उन्होंने ईजाद कर दिया। yes. उसके अलावा एक प्रोग्राम आता था टीवी में, उस जमाने प्रोग्राम भी बड़े अच्छे आते थे। एक शोएब होते ना, हमारी सलीमा हाशमी या मुनिसा हाशमी, वो एक टोट बटोट के प्रोग्राम बनाती थी, और सजगा होता था, तो बच्चों के लिए बड़ी बातें होती थी, और भी आते थे, एनक वाला जिन और ये सारे जो एनक वाला जिन, बिल्कुल हाँ, वो भी आते थे। तो वो सब चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं सिखा रही होती थी, उसमें नसीहत नहीं होती थी, नहीं होती थी, लेकिन बैक डोर से भी नसीहत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल दूं तुम्हें, मेरी एक कहानी है खट्टा बकरा, जो बच्चों को शायद बहुत पसंद है, और वो बच्चों की फेवरेट है, इसलिए मुझे भी उसे अपना फेवरेट करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है वो। इवन अमेरिका से भी जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती, वो भी मुझे फोन करके कहते हैं कि वी वांट टू लिसन टू खट्टा बकरा, खट्टा बकरा, उन्हें खट्टा बकरा भी खाना नहीं आता, उनको उसके हृदय में उसकी बातें अच्छी लग रही होती है। तो ये बातें जो है, ये हमें बच्चों के लिए करना चाहिए, और हर शख्स को बजाय इसके हम अच्छा, हमारे यहाँ एक जो बहुत अजीब सी बात है, वो टीचर्स कहती है कि बच्चों से कहानियां लिखवाओ, क्योंकि बच्चे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा लिखेंगे। अच्छा, मैंने हमेशा ये कहा है कि बच्चों के लिए लिखना जो है बड़ों का काम है। सही बात है, क्योंकि हाँ, इसमें बहुत बहुत बारीकियां हैं, बहुत सोच, बच्चों से लिखवाइए ताकि उन्हें लिखना आ जाए, उन्हें लिखना आ जाए, इसलिए बच्चों से लिखवाइए। आप उनको वो एग्जाम्पलर्स देंगे, या वो इतने खूबसूरत लिखे हुए क्राफ्टेड जुमले देंगे, तो वो देखेंगे और वो समझेंगे और बोलेंगे अरे जबान को इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो हम भी कोशिश करें कि हम इस तरह लिखें। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आसान जुमले होना चाहिए, अल्फाज आसान होना चाहिए। एक इदारा है, उसका नाम नहीं लूंगी, उनको मैंने कुछ कहानियां दी और उन्होंने मेरे आसान आसान अल्फाज को मुश्किल कर दिया। तो मेरा तो उनसे झगड़ा हो गया, मैंने कहा ये आपने क्यों किया, जब मैं लिख रही हूँ मैं कुछ सोच समझ के लिख रही हूँ। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया मुझे मना कर दीजिए, कि हम ठीक है, हमें ये नहीं सही लग रहा है, लेकिन जब मैंने कोई लफ्ज लिखा है तो उसको आप वही रहने दीजिए। अगर मैंने डाकू लिखा है उसे आप कसाब मत कहिए। सही बात है, बच्चा आजकल डाकू का नाम तो सुनते हैं, कसाब को नहीं जानते हैं वो। इस तरह की बातें छोटी छोटी, तो काफी मैंने उनसे उलझी में मैं, लेकिन ये कि उन्होंने कहा तो पागल है, इसकी कौन बात सुनने का। फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है मुझे भी नहीं पसंद। फिर मैंने ऑलमोस्ट लिखना छोड़ दिया उनके लिए। तो ये है बातें, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किताब मैंने पायरेसी पे लिखी थी। अब पायरेसी कितना खुश टॉपिक है, असल में बहुत ही खुश टॉपिक है, लेकिन मैंने उसमें जब मैंने कहानी लिखी है, मुझसे लिखवाई गई, किसी ने लिखवाई थी, तो मैंने उसका जो नाम रखा था, वो अगर मैं किताब अपने साथ लेके आई हूँ यहाँ पे, तो उसका नाम था, मैं इदारे का नाम छुपा दूंगी यहाँ पे, डम डम डीगा और अकबर। नाइस। तो ये डम डम डीगा, आपने पायरेसी के टॉपिक को किस तरह एड्रेस किया इतने छोटे बच्चों के साथ? इस तरह से किया क्योंकि ये बात बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो एक बच्चा है जिसका नाम अकबर है, और अकबर असल में मेरे पोते का नाम भी है, तो वो कहानी लिखना आसान हो जाता है अगर अपने किसी जानने वाले बच्चे का नाम हो तो नेक्स्ट टाइम मुझे अपने बच्चों का नाम देना। तो अकबर जो है वो अपनी किताब जो है स्कूल में भूल के आ गए हैं, और दूसरे दिन टेस्ट है, तो उन्होंने शोर होगा मचा दिया कि अम्मा मेरी किताब नहीं मिल रही है, मेरा कल टेस्ट है, मैं क्या करूं। तो अम्मा ने कहा कि तो अब्बा के साथ जाओ और जाके किताब लेके आ जाओ।
अब्बा लेके गए, अब्बा ने इनके हाथ में पैसे दिए और दौड़ के जाओ दुकान के अंदर और जाके किताब लेके आ जाओ। पैसे जो दिए थे, जो किताब की कीमत थी वो दिए थे। वो बच्चा अंदर गया और जल्दी से किताब लेके आ गया और साथ में 20 रुपये बचा के भी ले आया। उसने कहा अबू मुझे 20 रुपये सस्ती मिली। अबू भी कहे बच्चा तो बहुत समझदार हो गया, छोटी सी उम्र में बड़ा हो गया, 20 रुपये बचा लिए उसने। तो वो खैर घर आए और उसके बाद जब उन्होंने किताब खोली और देखा कि जिन लेसन्स में से उनका इम्तहान था वो तो उसमें थे ही नहीं। उसमें थे ही नहीं वो लेसन्स। उसके बाद जब वो टेस्ट देने गए तो उन्होंने उल्टा सीधा टेस्ट तो किया और आंखों में आंसू भर गए। और जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में बारिश हो गई तो उनकी किताब भी गीली हो गई, तो जिसके जो प्रिंट्स थे वो भी मिट गए किताब के। अच्छा, जब घर आए तो आके देखा ये किताब जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ये पायरेटेड है। पायरेटेड बुक है। अच्छा, फिर अगेन इसमें कहानी में थोड़ा सी बढ़ाना पड़ गया कि उन्होंने उन लोगों से कांटेक्ट किया जिन लोगों ने ये काम किया था वहाँ पे, वो जो पायरेसी की थी जिन लोगों ने वो पकड़े गए। वो देखा बच्चों के लिए लिख दिया गया था, लेकिन ये एक आम बाबा है और ये बहुत, क्योंकि होता क्या है लोग किताब लेते हैं उसकी फोटो कॉपी बना लेते हैं बहुत सस्ता छाप देते हैं और जो उसकी तस्वीरें हैं उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, पेपर की क्वालिटी खराब हो जाती है। मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी स्टोरी बहुत गौर से सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि पायरेटेड बुक्स में जो इंक होता है वो स्याही जो होती है वो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी नहीं होती है, और आपने कहा है कि बारिश हुई और वो मिट गई और ऑल्सो के चैप्टर्स मिसिंग थे। और यही मैं ऐसी सोच रही थी कि मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा कि मैं बच्चों को इस तरह समझाऊं। इट इज अ वेरी डिफरेंट लेंस, इट्स अ वेरी बिल्कुल और खुश टॉपिक है ये, लेकिन ये बच्चों को सिखाने का तरीका होना चाहिए। जी, उनको सिखाने का तरीका होना चाहिए। तो ये तो एक बात थी, लेकिन उसके अलावा ये है कि हम खाना जो है पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाने को पहले आंखों से खाया जाता है, यानी कि उसको पहले देखते हैं, उसको सूंघते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, फिर हम खाते हैं। अगर कोई बशक्ल खाना होगा, खराब तरह से पका हुआ होगा, उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होगी, हमारी भूख खत्म हो जाएगी। सही बात है। हाँ। तो अलिया वही बात किताब के साथ है। यस, किताब की जो शक्ल है वो खूबसूरत होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग अच्छी होना चाहिए, उसकी तस्वीरें अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल मुझे याद आया कि बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में अवार्ड विनिंग लिटरेचर होता है, तो बच्चों के लिटरेचर को, एक तो इतना लिटरेचर होता है कि वो उसके ऊपर अवार्ड्स दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो क्वालिटी होती है, जो उनके पेपर का भी जो क्वालिटी होती है, जो उन्होंने कहानी लिखी होती है वो कहानी की जो क्वालिटी होती है, और जो उनके इलस्ट्रेशंस होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, उस पे वो अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं। बट उर्दू में इस तरह की किताबें क्यों नहीं है, व्हाई नॉट? तुमने मुझे बहुत दिल दुखाने वाली बात पूछ ली मुझसे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो ये है कि बहुत ज्यादा किताबें छपती हैं, उनमें से उनके पास सिलेक्शन आसान होता है और वो उस पर अवार्ड दे देते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि किताबों की गिनती ही बहुत कम है और वो लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो अवार्ड किसको दे वो, एक तो ये बात है। दूसरी ये कि यहाँ पर किताब की और ख़ासकर बच्चों की किताब की अहमियत नहीं है, तो अवार्ड तो एक बहुत ही दूर की बात है कि उसको पढ़ने ही लोग मुनासिब नहीं समझते, और अगर वो किताब उर्दू में है फिर तो वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, अवार्ड की बात है तो मैं ये कहती हूँ अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए, उससे इंसान का एनकरेजमेंट होता है ना। और तुम तो हैरी पॉटर को देख लो, वो जो उसकी लेखक है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल, वो तो पहले राइटर थी भी नहीं। बिल्कुल, उसने लिखा, उसके बाद उसको पॉपुलैरिटी मिली, उसने कितनी किताबें लिख दी, अब वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, रिचेस्ट औरत बन गई। हमें तो कभी एक पैसा नहीं मिला लिखने का जी। तो मुझे बताओ कि लिखने की वजह क्या बनी है? दो वजह होती है, एक तो ये है कि भाई आई वॉन्ट टू राइट, एक तो ये वजह है कि आई लाइक राइटिंग, आई एग्री, यस आई लाइक राइटिंग और मैं लिखती हूँ। दूसरी वजह यह है कि मुझे अपने घर का चूल्हा जलाना है। सही बात है। मुझे कमाई करनी है लिखने से। यहाँ पे इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। अक्सर स्कूल्स मुझे इनवाइट करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए,
अच्छा, मैं बस तुम्हें ये बता दूं कि मैं स्टोरी राइटर हूँ और अच्छा लिख लेती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट, लेकिन आई एम नॉट मे बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, मे बी आई एम नॉट, लेकिन जब I मुझे don't बुला रहे हैं agree with you over here, क्योंकि आपने जो किताब पढ़ी थी हमारे स्कूल में, हमारे बच्चे जो हैं आपको याद है, बस सब ऐसे ही देख रहे थे गौर से आपको, because they were so enthralled जो आप पढ़ रही थी उससे. That I remember. That was a good experience. I remember that. Yes. Yeah. That was a good experience. बच्चे भी अच्छे हैं तुम्हारे, बात ये भी है, बच्चे सुन लेते हैं बात बात ये. लेकिन हाँ जी, मैं तो असल में इनकी शादी से काम ले रही थी. जब स्कूल्स मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके बहुत मद्दा है और आप इतना अच्छा लिखती हैं, और ये जो बातें होती हैं आम टीचर्स की कहने की, एंड हाँ हमारे बच्चे आपसे इतना सीखेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे स्कूल पे आइए और आके बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग कीजिए, ये स्टोरी राइटिंग एक्टिविटी करवा दीजिए. तो मैं कहती हूँ, अब मैंने ये शुरू किया है, मैं कहती हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे ये बताओ व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट. ये मेरा हुनर है ना, ये मेरा हुनर है, बिल्कुल. तो आई शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट. यस. तो लेकिन जब मैं ये कहती हूँ तो उनका जवाब होता है, अच्छा हम मैडम से पूछ के आपको बताएंगे. और मैडम जो है, मैडम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है. तो फिर वही की वही बात खत्म हो जाती है. इसीलिए उसको, क्योंकि एज एन आर्ट नहीं समझा जाता, उसको एज अ स्किल नहीं समझा जाता, दैट्स व्हाई मे बी लोग जो हैं वो इस तरह का रिस्पांस देते हैं. बिल्कुल सही बात है. एक बात और भी है कि हमारे यहाँ जिस जुबान में मैं कहानियां लिख रही हूँ, ये हम बाद में बात करेंगे कि ये जुबान क्यों जरूरी है उर्दू, तो इसकी अहमियत हमारे जो स्कूलों के जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने ही नहीं दी है. वो जब किसी भी टीचर का सिलेक्शन करते हैं तो इंग्लिश की टीचर दूर से नजर आ जाती है कि वो इंग्लिश की टीचर है, साइंस की टीचर के दूर से नजर आ जाएगी वो साइंस की टीचर है, बहुत ही अपडेटेड है, वेरी एक्टिव, मैथ्स की टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट लुकिंग, सब कुछ है. उर्दू की टीचर जो होती है सबसे कमजोर होती है. आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे दिल की बात है. नहीं, आप सही कह रही हैं. और अच्छी उर्दू टीचर ढूंढना या उनको कहीं से फाइंड करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बात है. इसलिए मुश्किल है कि वो उसको इतना पेमेंट भी नहीं दे रही है, उसकी तनख्वाह सबसे कम है स्कूल में, और उन्होंने उनकी वो ट्रेनिंग भी नहीं हुई है जो कि उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए थी. बिल्कुल. टीचर की वो टीचर वो नहीं है. अच्छा, उसके अलावा एक बात और भी है कि जो उनकी प्रेजेंस है ना, वो थोड़ी सी वैसी हो कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाए. जी. शी शुड बी वेल ड्रेस्ड. यस. शी शुड वेयर सम गुड ज्वेलरी ऑल्सो, लाइक यू डू ऑलवेज. इसके अलावा बहुत जरूरी है बच्चों के इर्द गिर्द रहने के लिए, आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है. सही बात है. और एक और चीज़ ये है कि ना, मैं अभी अली से कल ही ये बात कर रही थी कि छोटे बच्चों के लिए, जितना जितने बच्चे छोटे होते हैं उतनी आपका जो एज अ टीचर जो रोल होता है वो चेंज हो जाता है. आप एक एक्टर और एक परफॉर्मर बन जाते हैं. यू हैव टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस. आप अगर डरे रहें कि मैं बच्चों के सामने ऐसे एक्ट नहीं करना चाहती या मुझे ना पसंद नहीं है इस तरह की शक्लें बनाना, तो आप ऑटोमेटिकली बच्चों को एंगेज नहीं कर पाएंगे. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और क्योंकि वो कहते हैं ना कि पार्ट टाइम क्लाउन होते हैं टीचर जो है ना, शी इज पार्ट टाइम क्लाउन. यस, द यंगर द चिल्ड्रन द मोर यू हैव टू परफॉर्म. या बिल्कुल. और बड़े बच्चे भी हैं, उनको भी यार एक्शन बहुत जरूरी है, चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है. मैंने एक बार वर्कशॉप की थी, उसमें मैंने दो तरह के टीचर्स बिठाई और मैंने उनको बता दिया कि एक जो है एक्सप्रेशन के साथ पढ़ेंगी और एक जो है विदाउट एक्सप्रेशन पढ़ेंगी, तो ये वो सीख गई. मैंने उनको एक चैप्टर दिया, तो जो एक टीचर थी जिनको फ्लैट पढ़ना था उन्होंने पढ़ा, और मैंने बच्चों के एटीट्यूड उनको दिखाया कि बच्चे क्या कर रहे हैं. फिर एक टीचर थी जिसने कि एक्शन के साथ पढ़ा, फिर मैंने उनको दिखाया कि बच्चों का रिएक्शन क्या है. या दे कुड सी द डिफरेंस. आई एम श्योर जितने एक्शंस होंगे उसमें ज्यादा एंगेजमेंट होगी, बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, समझ रहे होंगे. ये हमारे टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें हुआ था ये, और हमने टीचर्स को सिखाने के लिए ही ये काम किया था.
एंड दे रियली अंडरस्टूड इट कि चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है बच्चों को एंगेज करने के लिए. जब तक आप एंगेज नहीं करेंगे बच्चे उसको सुनेंगे नहीं, नेचुरली कैसे सुनेंगे जब आप वो बात ही नहीं करेंगे. ना आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है, ना आपके बोल चाल में बातचीत में आ रहे हैं एक्सप्रेशन, और ना आप बच्चों की तरफ देख रहे हैं. बच्चों की तरफ देखना, उनका आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी. हमारी माजरत के साथ मैं तो दुश्मन हो जाएंगे मेरी सारी टीचर्स, उर्दू टीचर्स में ये फुकदान होता है, वो नहीं करती. डांटने के लिए देख लेंगे, वैसे नहीं देखती. डांटना मारना सब खत्म, भूल जाए. बिल्कुल डांटना मारना तो अब है ही नहीं, फैशन में ही नहीं है बिल्कुल. तो एक और सवाल है जो इसी से निकलता है, इस बेसिकली उर्दू जबान जो है वो लैंग्वेज ऑफ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री है, लेकिन इट आई एम सॉरी टू से इट्स फॉलिंग बिहाइंड. बहुत तरीकों से हमारी जबान पीछे रह गई है, इतना इवॉल्व नहीं हो पाई है. और जब लोगों से इस बारे में बात भी मेरी होती है और मैं कहती हूँ कि भाई क्या हो गया, अगर आप किताब लिख भी रहे हैं तो जो हमारी रोजमर्रा की बोलचाल है उस जबान में लिखिए, इतना प्यूरिस्ट मत हुई है कि बिल्कुल एक प्योर और खालिस उर्दू में लिखना भी इतना जरूरी नहीं है. आप इजी वर्ड्स यूज कर सकते हैं और वो वर्ड्स जो बच्चों को समझ आए, जो वो आमतौर पे सुनते हैं वही वर्ड्स यूज करने चाहिए. और एक इससे जो बनता है वो ये है कि जब आप बच्चों को अर्ली ईयर्स में बहुत ज्यादा उर्दू की किताबें पढ़ाएं, घर में आप बोलते रहें, आपका एक तौर हो, घर में तरीका हो जिसमें उर्दू जबान को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली उर्दू की रीडिंग में और राइटिंग में आगे जाके बेहतर होते हैं. इस पे भी बहुत लैंग्वेज पे, ये लैंग्वेज की रिसर्च है. तो बिल्कुल सही कह रही हूं. हमारे यहाँ ये होता है कि शुरू के जो ईयर्स हैं उसमें बच्चों को हार्डली कोई उर्दू पे फोकस करता है, सबका फोकस होता है कि अंग्रेजी बोलें और स्कूल में दाखला हो जाए और फिर हम उर्दू देखते रहेंगे, हम उस पे करते रहेंगे काम किसी ना किसी तरीके से. और आगे जाके और ए लेवल्स में उर्दू के इतने डिफिकल्ट करिकुलम्स होते हैं, इतने डिमांडिंग होते हैं कि वो बच्चे वहां पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो सवाल ये है कि भाई आप शुरू से ही अगर उर्दू को रिच तौर से पढ़ाएं, लैंग्वेज और लिटरेचर में आप बच्चों को इतना इमर्स कर दें कि उनकी उर्दू जबान से ताल्लुक इतना स्ट्रांग हो कि उनको आगे जाके के जो निसाब है वो इजी लगे, ये चीज का जो गैप है आपके ख्याल से ये गैप क्यों है? अलिया देखो, बहुत माजरत के साथ, उर्दू को सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो उर्दू दान ने कर दिया है. जो उर्दूदान तबका है ना उसने उर्दू को बहुत नुकसान दिया है. उन्होंने उसको इसमें लगाए कि ये सही है ये गलत है, ये तलफ़ सही नहीं है ये तलफ़ सही है, काफ बोलो काफ क्यों बोल रहे हो, और ये लहजा सही नहीं है. यार भूल जाओ इसे. Exactly. बच्चे को बोलने दो, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होने दो, वो काफ और काफ का फर्क भी समझ जाएगा. Okay. वो और चीजें भी समझ जाएगा, लेकिन आप उसे बोलने तो दीजिए. हम लोग वहीं पर उसको रोक देते हैं. पर हुआ क्या है कि जब जुबान ठहर गई है, एक जगह ठहर गई है, तो जैसे पानी के साथ होता है, पानी एक जगह ठहर जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो पानी खराब पीने के काबिल नहीं रहता है. जुबान के साथ भी वही हो रहा है और ये होता जा रहा है, क्योंकि हम इस गलती को नहीं समझ रहे हैं. हम मुश्किल अल्फाज ही को उर्दू समझते हैं. उर्दू तो लश्कर है ना, उर्दू तो हर जुबान का लश्कर है. जी. अगर फर्ज करो कि आज अंग्रेजों ने बाजार को अपना लिया है तो हम भी उनके अंग्रेजी का अल्फाज अपना लें, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल. बहुत बहुत क्योंकि किसी भी चीज के आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज के आगे बढ़ने के लिए उसका थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी होता है. बिल्कुल. थोड़ा सा उसमें एडिशन जरूरी होता है, थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला जरूरी होता है, और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डालना जरूरी होता है. वो इंटरेस्ट कब पड़ेगा? जब हम उसको आगे बढ़ने देंगे. हमारे उर्दू दान ने इसको गुनाह समझ दिया है. वो समझते हैं कि बस अगर सीखना है तो जो उर्दू हमने पढ़ी थी वही सीखो. भाई आपने जब पढ़ी थी हाँ. वो जमाना गुजर गया. जैसे और चीजें तब्दील हुई हैं, जुबान भी तब्दील हो रही है, और उसको और हो सकता है ज्यादा मीठी हो जाए, हमें क्या पता.
बिल्कुल हो सकता है ज्यादा अप्रोचेबल हो जाए। जी तो हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें लग जाए कि नहीं उर्दू का है वो अल्फाज जो है वो यही होना चाहिए। हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारी बहुत बहस चलती है, रमादान शुरू हो गया है, हम बचपन में रमजान कहते थे, हम रोजा कहते थे, रमजान कहते थे, अब रमादान हो गया है तो हम क्यों रमादान कह रहे हैं? हम रोजा, हमने बचपन से रोजा सुना था, रोजा कहिए। बिल्कुल, लेकिन लोग नहीं समझ रहे ये बात। लेकिन ये तो एक मिसाल थी, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि हमें उर्दू को आसान बनाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के लेवल पे उर्दू के जुमले छोटे होना चाहिए, अल्फाज आसान होना चाहिए, और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उनको वो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे अभी इसकी जो बात की थी, डम डम दीगा और अकबर की बात की थी, तो वो टॉपिक तो बहुत मुश्किल है लेकिन लिखने का अंदाज उसका हल्का फुल्का है। इसी तरह से मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दो, तो मैं आपको अपनी एक आध ऐसी बात बताऊं जो कि मैंने बच्चों के लिए लिखी। बच्चे असल में रिलेट उससे करते हैं जो जिसको के वो खुद भी कर चुके होते हैं या महसूस करते हैं या उन्हें समझ में आती है बात। बिल्कुल, तो एक कहानी थी, शायद तुमने कभी पढ़ी हो। कौन सी वाली बताइए, मैं पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े, मैं अभी आपसे भी बोलने वाली थी, प्लीज पढ़ के सुनाएं। जनाब ये है जनाब, जब गुस्सा मुझको आता है। अच्छा जनाब, वेरी नाइस। किसको गुस्सा नहीं आता है मुझे बताओ, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे गुस्सा नहीं आता है? ये उन्हीं की कहानी है सर, मैं थोड़ी सी पढ़े देती हूँ। बिल्कुल, जब गुस्सा मुझको आता है और रोने को दे जाता है, हर खेल से जी भर जाता है, हर शख्स बुरा बन जाता है, अम्मी की बात नहीं सुनता, भाई से बात नहीं करता, बस बिस्तर पर गिर जाता हूं, यूं सबसे रूठ सा जाता हूं, कुछ देर यूं ही लेटे लेटे गुस्सा ठंडा होते होते, गुस्सा तो ठंडा हो जाता है ना थोड़ी देर में, शुरू में तेज गुस्सा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है, गुस्सा ठंडा होते होते मैं झांक कर बाहर देखता हूँ, क्या अम्मी को मैं याद भी हूँ, क्या मेरा खाना रखा भी है, क्या मजे का साधन बचा भी है, फिर झूठ मूठ के गुस्से से उठता हूँ, रूठे चेहरे से मैं छुप कर मेज पे जाता हूँ और खाना सब खा जाता हूँ, फिर दौड़ के वापस आता हूँ, मुंह ढककर मैं सो जाता हूँ। तो ये एक ऐसी बात है जो हर बच्चे पे गुजर चुकी होती है। बिल्कुल, इतनी अच्छी है पोएम, इतनी सिंपल सी है और एंगेजिंग है और राइम। एक लफ्ज मुश्किल नहीं था, एक लफ्ज इसमें मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल और, नहीं, और एक बात भी ऐसी नहीं थी जो बच्चे नहीं करते, गुस्सा होके वो खाना छोड़ देते हैं, जाके लेट जाते हैं, फिर याद करते हैं अब अम्मी आके हमें हमें उठाएंगी, हमें हमें खाना खिलाएंगी, अम्मी नहीं आती है, फिर उनको खुद ही जाना पड़ता है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बच्चों के साथ होता है। बिल्कुल, और रिलेटेबल है, इट्स रिलेटेबल बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस दिस, तो वो उनके लिए बिल्कुल रिलेटेबल है। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, और एक और आपकी बहुत अच्छी सी कहानी मेरे पास है, दाल चावल का सफर, और ये मैं आज पढ़ रही थी, और ये इतनी मजे की है, इसके अंदर कहानी भी है और इसके अंदर आपने बीच बीच में छोटे छोटे फैक्ट बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप साइंस के टॉपिक्स को कवर कर रही हैं कि सेल्स क्या होते हैं, टेस्ट बड्स क्या होते हैं, और ये अलिया इन सब चीजों के लिए रिसर्च करना पड़ती है। आई एम श्योर, मैं कहती हूँ कि 8-10 लाइनों की कहानी भी कभी कभी महीने ले लेती है। जी, इट नीड रिसर्च। दाल चावल का सफर जो है, ये दाल चावल की कहानी जो कि बेचारे गले नहीं थे और एक बच्चे ने उनको निगल दिया है जल्दी में भूख के मारे, अम्मा टेलीफोन पे लगी हुई थी, उन्होंने देखी खोली दाल चावल का, फिर वो दाल चावल का सफर शुरू हुआ, तो ये कहानी शुरू हो गई। तुमने पढ़ी है ये कहानी, इसका मतलब है जी मुझे बहुत मजे की लगी। और मैं आपसे पूछना चाहती, आपने इतनी सारी कहानियां लिखी हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? और मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमें वो पढ़ के सुनाएं।
अच्छा, मैंने यहाँ पे रखी नहीं है वो कहानी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ। खट्टा बकरा मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट है? ओके okay. खट्टा बकरा इसकी फेवरेट है, वो सारे बच्चों की फेवरेट है। और मैं यहाँ पे, मेरे पास इस वक्त यहाँ नहीं रखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। वैसी सुनाइए। नींबू के पेड़ पे बकरा रहता, नींबू खाता शाम सवेरे, खाता जाता खाता जाता, इतना खाता गर्स हो जाता। अब मैं कहती हूँ गर्स हो जाता, सब बच्चों से कहती हूँ गर्स हो जाओ, बच्चे ऐसे करके सो जाते हैं। खाता जाता इतना खाता गर्स हो जाता। लंबे नींबू, गोल नींबू, काले नींबू, पीले नींबू, आड़े नींबू, तिरछे नींबू, खाता जाता इतना खाता गर्स हो जाता। पेड़ की छाव में शेर था बैठा। पेड़ की छाव में कौन बैठा था? शेर था बैठा। भूखा प्यासा आस लगाए, पेड़ से कब बकरा उतरेगा और निवाला उसका बनेगा। निवाला बनना कहते हैं कब उसको खा जाएगा और निवाला उसका बनेगा। आखिर एक दिन सुबह सवेरे बड़ी बड़ी जमाइयां लेते बकरे साहब नीचे आए और भूखे शेर के जाल में आए। दौड़ के शेर ने बकरा पकड़ा, अख्तू अख्तू करके थूका, नींबू जैसा खट्टा बकरा, छिलके जैसा कड़वा बकरा। ये है खट्टे बकरे की कहानी। इतनी जबरदस्त कहानी है और इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को वोकैबुलरी भी सिखा सकती हैं, आड़ा, तिरचा, खट्टा, और ये सारे वर्ड्स जो आपने कवर किए हैं, इतने सारे टेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और कहानी भी मजे की है। शेप्स से भी रिलेटेड है, जितनी शेप्स होती हैं और टेस्ट भी है, इसको दोनों चीजें हैं जी। उसके अलावा एक बात जो जो बैकडोर से जो एक नसीहत है वो ये है कि सोच समझ के खाओ, इतना नहीं खाओ कि तुम्हें बदहजमी हो जाए। Yes. और ऐसे मत खाओ कि तुमने पहले उस चीज को देखा ही नहीं है, तुम खाते गए। तो जैसे कि हमारे यहाँ फिर आप एक बच्चों को मजीद जो बात सिखा सकते हैं वो ये है कि खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। Yes. तो बस खेलों की चीजें बिक्री होती हैं उनसे बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीज भुनी हुई है, जैसे मकई है, मकई ठीक है, आई थिंक बच्चे खा सकते हैं, लेकिन खुली हुई आइसक्रीम मिल रही है ठेलों पे, कोशिश करें वो ना खाएं। हाँ। और जो चाट खुली हुई है, मक्खियां बैठी हुई है, वो ना खाएं। ये सब बातें सिखाई जाएंगी टीचर के जरिए, तो ऐसी किताब के साथ एक टीचर्स गाइड भी होना चाहिए। बिल्कुल। और उस गाइड के जरिए ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस की कि रिदम भी होना चाहिए, और इसके अलावा हमने टेस्ट की बात की, हमने और शेप की बात की, वोकैबुलरी भी होनी हाँ, चाहिए। आप एक हफ्ता इसमें गुजार सकते हैं, बिल्कुल इसे कहानी के साथ आप एक हफ्ता गुजार सकते हैं अगर चाहे तो। बिल्कुल। तो ये और बच्चों के लिए हैं, यही होना चाहिए कि उनको, मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि नई किताब रोज नहीं पढ़नी चाहिए। आप छोटे बच्चों के साथ एक ही किताब 3 से 4 दफा पढ़ें तो आप हर रीडिंग में उनके एक नया टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों की किताबों में अक्सर इतनी डेप्थ होती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। और छोटे बच्चों को तो वो किताब बार बार पढ़ने में मजा भी आता है। बिल्कुल फिर वही बात है ना जो मैं पहले कह रही थी, जो कुछ वो सुन चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, उसको उन्हें समझने में ज्यादा आसानी होती है। बिल्कुल तो अगर आप 3-4 दिन लगातार उनको वही किताब पढ़ाएंगे तो ये दैट इज ट्रू कि वो उसमें से हर दफा आपको एक नया नुक्ता मिल जाएगा बात करने के लिए। बिल्कुल और जब वो बात करने के लिए नुक्ता मिलेगा, आपकी पूरी 10-15 मिनट का आपका एक सेशन हो जाएगा बच्चे के साथ। बिल्कुल। और उसमें लेकिन हम ये कहते उनकी हैं लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, उनकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग बिल्कुल, स्किल्स अच्छी हो हाँ रही बिल्कुल। हमारी अम्माएं क्या करती हैं, ये टीचर्स तो मैं नहीं कहूंगी इस वक्त, क्योंकि शाम में अम्मा ही पढ़ाती है कि नहीं बेटा ये तो पढ़ चुकी है, दूसरी किताब निकालो। है। अगर बच्चा दोबारा वो पढ़ना चाह रहा है उसे पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं है इसमें। और मजे की बात है कि इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, और रिसर्च ये कहती है कि जितनी दफा आप छोटे बच्चों के साथ कहानी पढ़ें तो उनकी वोकैबुलरी बेहतर होती है उस कहानी से रिलेटेड वर्ड्स के लिए, क्योंकि जब आप यकीन पहली दफा पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा होता है, लेकिन दूसरी सही दफा में बात, वो कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियर हो चुके होते हैं, उसके बाद वो उसके अल्फाज देख के याद कर रहे होते हैं या सीख रहे सही होते कह रही, बिल्कुल सही कह रही। क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं भी, तो हमें हैं। इस बात का बहुत ज्यादा अंदाजा है जो तुम कह रही हो कि बार बार उस चीज को पढ़ने से 10 एस्पेक्ट्स निकल आते हैं।
बिल्कुल जो बच्चे अक्सर आपको वो खुद बता रहे होते हैं कि ये भी तो लिखा था, ये आपने नहीं बताया, ये भी तो होता है इसमें फिर। बिल्कुल, यही कॉम्प्रिहेंशन अच्छा, होती है। अच्छा, एक सवाल एग्जैक्टली। आपसे है ट्रांसलेशंस के बारे में, कि आपकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो इंडिया भी पब्लिश हो चुकी हैं और वहाँ की इलाकाई जबानों में भी शायद ट्रांसलेट हो चुकी हैं। 12 12 रीजनल लैंग्वेजेस में हुई है। वाह, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन सी लैंग्वेजेस और क्या आपकी जो ओरिजिनल किताब थी उसकी मीनिंग जो है वो बरकरार रही थी या चेंज हुई थी? असल में झक्कड़ मेरी किताब का नाम था, झक्कड़। और वो जब इंडिया में गई तो उन लोगों ने इसको 12 रीजनल लैंग्वेजेस उनकी है वो यहाँ पे, क्योंकि मुझे पढ़नी तो नहीं आती है, लेकिन इंडिया के जो 12 सूबे हैं मुख्तलिफ, उनके सूबे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जी वो मेरे पास उस जुबान में किताबें मौजूद हैं, मेरी झक्कड़ मौजूद है। इंग्लिश में भी हुई थी, तो यहाँ पर एक इदारा है जिन्होंने के तुलिका पब्लिशर्स से ये किताब खरीदी थी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसके इंग्लिश का वर्जन जो था उसको यहाँ पे शाया किया था। अब शायद मेरे ख्याल से आउट ऑफ रैक हो चुकी होगी, काफ़ी अर्सा हो गया उसको, लेकिन झक्कड़ वॉज वन ऑफ द, फॉर मी इट वॉज फाइनेस्ट बुक, बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब थी वो। अच्छा, और हाँ, बहुत अच्छी किताब थी। तो लेकिन वो भी क्या था, झक्कड़ में, झक्कड़ जो होता है पता क्या होता है, नहीं जो हवा बताइए। जो ते, जो जो तेज हवा चलती है, जो झक्कड़ चलते हैं ना, तो उसको जो वो जो आंधी चलती है चीजों को उखाड़ देती है, हमने चार इसमें हमने झक्कड़ को हीरो बनाया था, कि अच्छा, झक्कड़ जो है वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि कब बादल आएंगे, कब बारिश आएगी, और मैं अपना सफर शुरू करूंगा, यानी कि वो तेज हवा आंधी चलना शुरू होगी। तो जब झक्कड़ चलना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी कबूतरी अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई नजर आती है। झक्कड़ दूर से देखता है, वो कहता है कि नहीं, इसको नहीं छेड़ूंगा, ये तो बहुत कमजोर है। वो अपना रास्ता बदल लेता है, तो फिर वो आगे जाता है। आगे गया तो उसने देखा कि एक किसान है, वो अपने बेटे के साथ बाहर बैठा हुआ अपना चारा वारा जमा कर रहा है, उसके बैल बकरियां जो है वो उसकी अंदर है। तो इतनी देर में जैसे झक्कड़ वहां पहुंचा तो भूसा उड़ने लग गया, तो किसान ने जल्दी जल्दी अपने सारे जानवरों को अंदर बंद किया और दोनों ने जल्दी जल्दी चीजों को समेटा और वो अंदर की तरफ चले गए। झक्कड़ ने फिर सोचा कि ये बहुत मेहनती आदमी है, मैं इसको तंग नहीं करूंगा, हाँ, उसने वहां से भी रास्ता बदल दिया। फिर वो आगे गया तो आगे उसने देखा कि एक झोपड़ी है, उसमें हल्की सी लाइट जल रही है, एक दर्जी उसकी बीवी वहां पे है, दर्जी की बीवी जो है वो सो रही है, तो दर्जी ने अपना कंबल भी उतार के उसको उड़ा दिया है, और वो कुछ सुखड़ा हुआ कोने में बैठा हुआ है। झक्कड़ को उसको देख के बहुत प्यार आया, तरस आया, उसने कहा नहीं, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये कह के उसने उसी झोपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए। उसको दूर ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आया। झक्कड़ ने कहा अब होगा टक्कर का मुकाबला, वहां जाता हूं मैं। तो अच्छा, जब वो समंदर के पास पहुंच गए फिर भी उछाड़ पछाड़ मची, तो बस सारे माहौल में एक तेजी आ गई, एक तमाशा समझ गया। तो दिस वॉज अबाउट कि आप किसी को भी बुरा मत कहिए, हर एक के अंदर एक ना एक अच्छा जरूर एक दिल होता है, और इसमें एलिमेंट ऑफ साइंस भी है थोड़ा सा, साइंस भी और है बिल्कुल। एलिमेंट हाँ, ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग भी है, काइंडनेस की लर्निंग एम्पथी विद अदर पीपल। भी। लेकिन क्या हमारी उर्दू टीचर ये बात समझती है? क्या वो समझती है इस कहानी को पढ़ के, इसमें इतने एलिमेंट्स मौजूद है? पता नहीं नहीं, समझ रही उर्दू टीचर, क्या कोई भी नहीं समझ रहा है? तो हम तो कह कह के तंग आ गए ये बात के, भाई पढ़ाने का तरीका सीख लो, एक ही कहानी में से इतना कुछ मिल जाता है, बैक डोर से इतना आ जाता है अगर आप बिल्कुल सीखना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी खूबसूरत कहानी थी आमरा। मैं किसी तरह अगर आपके पास है तो आई वांट कि मैं हम अपने स्कूल में भी इसको श्योर यूज करें बच्चों के साथ, श्योर श्योर, जब बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मुझे पास है मैं तुम्हें दे बताइएगा कि हम दूंगा। कहाँ से खरीद सकते हैं। नहीं, मैं आउट ऑफ रैक हो गई, मेरे ख्याल पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है, अच्छा, 20 साल हो गए इसको, मैं तुम्हें दे दूंगी।
अच्छा, पास बहुत है। जबरदस्त है। आमरा, आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इतनी खूबसूरत बातें आज मुझसे की। और आपका जो, मैं एक दोबारा बात कहना चाहती हूँ कि भाई, राइटर्स जो हैं वो हमारे मुल्क का खजाना है, एंड आई थिंक बहुत जरूरी है कि हमें राइटर्स को इनकरेज करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो वो जो एक अप्रिसिएशन और एक अवार्ड्स वाली चीज है, वो हमें, मैं किसी तरह से, आई एम गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स जिसके हम इस तरह का कोई सिस्टम निकालें, वरना पता नहीं कितने सारे लोग लिखना चाहते होंगे जो लिखते नहीं होंगे ये सोच के कि भाई क्या फायदा। नहीं अलिया, मेरे ख्याल से बहुत से लोग लिखते हैं लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो सामने आ सके, ऐसा भी है। तो ऐसा भी, ये प्लेटफॉर्म भी एक बनना चाहिए कि भाई जो लोग बच्चों के लिए लिख रहे हैं और वो सही लिख रहे हैं, अगर वो सही लिख रहे हैं, क्योंकि छान पटक बड़ी ज़रूरी है। जी वो उर्दू बाजार में वो मवाद भी जरूरी मौजूद है जो कि बच्चों को तबाह भी कर रहा है, तो बात वो होना चाहिए जो कि बच्चों के मतलब की है। उसके बिल्कुल, लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस पे काम करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इस पे बिल्कुल, डेफिनेटली साथ दूंगी। मैं आपके साथ इस पे जरूर काम करूंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे लेवल्स हैं उर्दू के, जो जिसके लिए किताबें चाहिए। फॉर एग्जांपल, थोड़े से और बड़े बच्चों के लिए चैप्टर की किताबें चाहिए, चैप्टर 1, 2, 3, ऐसी वाली किताबें, एग्जैक्टली चैप्टर बुक्स भी चाहिए। और छोटे वालों के लिए पिक्चर बुक्स चाहिए और बोर्ड बुक्स चाहिए, और हर तरह की बिल्कुल, किताबों के ऊपर काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो यकीनन यकीनन। बिल्कुल, आपकी कोई एडवाइस है जो लोग लिखना चाहते हैं उर्दू में, उन लोगों के लिए? सबसे पहली एडवाइस तो ये कि पहले पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं लिखोगे कैसे। बिल्कुल हमारे यहाँ पढ़ने की भी तो आदत खत्म हो गई है, अब जी, जरूरत बिल्कुल पढ़ने के बराबर रह गई है। किताबों की जो फरोख्त है उस पर बड़ा असर पड़ा है, एक पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अलिया, ऑब्जर्वेशन बड़ा जरूरी है। यस, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो की टू सक्सेस है। इट हम इज लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं कुछ भी, हर बिल्कुल चीज में एक कहानी मौजूद है। अगर देखो तो हर कहानी, जैसे तुमने अभी जिक्र किया दाल चावल के सफर की बात की, तो ऑब्जर्व ही किया था ना। जी, किताब पढ़ी थी मैंने जिसमें के मुख्तलिफ तरीके से लिखा था कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से। अंग्रेजी की किताब थी, मैं हर चीज खुद से नहीं पैदा कर रही होती, बहुत कुछ मैं इंस्पायर होके भी करती हूँ और ऑब्जर्व भी करती हूँ, बिल्कुल और कभी कभी उससे कॉन्सेप्ट भी ले लेती हूँ। जी, तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं, आपको हर चीज में कहानी मिल जाती है। बिल्कुल, तो लेकिन कहानियां हम हर सोचते जगह हैं हैं, कहानियां हर हर जगह जगह हैं, मौजूद है कहानियां, और बच्चों के रोजमर्रा लिए तो की इतना जिंदगी में। मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ हम करेंगे काम, बिल्कुल करेंगे, आज नई बात पता हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना, हमारे लिए इसी तरह खूबसूरत कहानियां प्लीज लिखती रहें, हमारी बच्चों की लाइफ्स को एनरिच करती रहें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इस तरह की किताबें आती रहें। शुक्रिया, आपने टाइम दिया इतना सारा हमें। मैं यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा से, ओके, खुदा हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज।